हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड में प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 में पट्टे पाकर ग्रामीणों के चेहरे खिले। सोजत रोड कस्बे के राजीव गांधी सेवा केंद्र के सामने राजकीय प्राथमिक विद्यालय सोजत रोड में प्रशासन गांव के संग शिविर का शुभारंभ शुक्रवार को सोजत उपखंड अधिकारी गोपाल जांगेड़ की अध्यक्षता में सोजत विधायक शोभा चौहान के मुख्य अतिथि में किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी गोपाल जांगेड़, सोजत विकास अधिकारी डॉक्टर सुनीता परिहार, तहसीलदार पीरूलाल जीनगर, सरपंच लक्ष्मी कछवा, सहायक विकास अधिकारी महिपाल सिंह लखावत सहित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ग्राम विकास अधिकारी खंगार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में पट्टा वितरण, 127 जॉब कार्ड, 4 जन्म मृत्यु पंजीकरण, 2 SBM, 4 मोबाइल अपडेशन, नरेगा 212, विवाह प्रमाण पत्र, 3 पट्टा नवीकरण, 2 पेंशन योजना में 5 2 विद्युत कनेक्शन सहित राजस्व विभाग में शुद्धिकरण के 136 व 3 बंटवारा के आवेदन प्राप्त किए गए, जिनका मौका पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान कस्बे के संपत राज मोदी, विजय सिंह, तुलसीराम बेरवा, दिलीप खाटेड़, पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार व्यास, प्रदीप राज सिंह, दिनेश त्रिवेदी, कमल सोनी, लक्ष्मीकांत भाटी, ओम प्रकाश शिवचंद धादीज, वार्ड पंच हीरा लाल मारू, दलपत सिंह, राजेंद्र सिंह द्वारा बाल मुक्ति धाम का राजस्व रिकॉर्ड में 2018 के आदेश अनुसार शमशान भूमि को दर्ज करवाने की मांग सोजत उपखंड अधिकारी से की गई, जिस पर उपखंड अधिकारी गोपाल जांगे ने तत्परता दिखाते हुए स्वयं मौके पर पहुंचकर मौका निरीक्षण कर सोजत तहसीलदार को बाल मुक्ति धाम का सीमांकन करने का आदेश दिया, जिसका मौके पर राजस्व निरीक्षण कमलेश मीना, स्थानीय पटवारी एवं कस्बे के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में सीमांकन कर रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सोजत उपखंड अधिकारी गोपाल जांगेड़, इन्होंने ये कहा, 27 पट्टे जारी किए गए हैं और वो संबंधित को वितरित भी करवा दिए गए। इसके अलावा जो है मुख्य उद्देश्य राजस्व खातों की दुरुस्ती और बंटवारे वगैरह का, तो उसमें लगभग यहाँ 200 राजस्व शुद्धियों की दुरुस्ती कर दी गई है और 15 लोगों ने आपसी सहमति से बंटवारे भी करवाए हैं और कुछ जो राज न्यायालय में विचाराधीन दावे हैं उनको भी हमने काश्तकारों की सहमति से या राजीनामे के आधार पर उनको समझाने का प्रयास किया है। तो कुल मिला के जो प्रशासन गाँव के संघ का अभियान का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति में हम काफ़ी हद तक सफल रह रहे हैं। अन्य जो भी 22 विभाग हैं उनके भी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहकर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर रहे हैं और जो समस्याएं टाइम टेकिंग है उसके लिए संबंधित को एक निश्चित समय अवधि बताने के लिए भी निर्देशित किया गया है कि भाई इस टाइम में उनको निस्तारित कर दिया जाएगा, ताकि आगामी जो फॉलोअप कैंप होंगे उसमें हम उनका रिव्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कैंपों के दौरान जो भी परिवार प्राप्त हुए उनका 100% समाधान हो। सर एक यहाँ सोजत रोड की जो जागरूक टीवी के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।